हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं देव आर्यन आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल आर्यन मैथ्स पर स्वागत करता हूं। माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैंने जो है कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर चैप्टर वाइज वीडियो बनाना आज से मैंने शुरू किया है, ताकि आपको जो है चैप्टर्स क्वेश्चन के साथ साथ चैप्टर का भी जो है रिवीजन होता रहे। ये चैप्टर वाइज जो है आपका वीडियो एक दो दिन में आपको मिला करेगा। आज का वीडियो जो है हमने एज चैप्टर को लेकर बनाने वाला हूँ, और इसका पीडीएफ जो है हमने आर्यन मैथ्स वाले टेलीग्राम चैनल पर जो है दे दिया है। ये इसी बुक से है जो आप प्लेटफॉर्म के क्लासरूम में आप स्टडी करते थे, इससे जो है आपका जो है 1 से 64 तक दिया हुआ है एज चैप्टर में, उसमें टिक आउट किया हुआ है। कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे जो है आपको लोगों को सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। आप 1 से 64 तक बनाइएगा, जहाँ कोई दिक्कत होगा तो आप जो है मैथ्स बाय देव आर्यन करके जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर आप पोस्ट कर दीजिएगा, मैं उसका आंसर दे दूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो ये चैप्टर जो है हमारा एज यानी आयु से संबंधित प्रश्न। अगर आप मैथमेटिकल एज की बात करें यानी मैथ्स चैप्टर की बात करें, तो ये कमर्शियल मैथ का सबसे जो है सिंपल चैप्टर है, जो बहुत सारे बच्चों के लिए जो है तुरंत सॉल्व करने वाला चैप्टर है। लेकिन आप रीजनिंग की दृष्टि से देखेंगे, रीजनिंग के एज वाले सवाल को देखेंगे, तो वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सवाल होते हैं। हालाँकि हम यहाँ पर जो है मैथमेटिकल एज चैप्टर की बात करेंगे, इसमें ज़्यादा रूल्स होते नहीं हैं और ना ही इसका थ्योरी होता है ज़्यादा। आप इस तरह से जानते ही होंगे, अगर आप पास्ट में हैं, पास्ट में है तो आपका जो है उस था थे थी शब्द लगा हुआ रहेगा। अगर आप प्रेजेंट में हैं, है हे वो शब्द लगा हुआ रहता है, और फ्यूचर में है तो आपका होगा होंगे होंगी, ये शब्द आपका लगा हुआ रहेगा। मान लीजिए कि आज कोई व्यक्ति पास्ट में जो है 20 साल का है, 20 साल का, और हम ये कहना चाहते हैं कि 10 साल बाद वो प्रेजेंट में कितना होगा। 10 साल बाद तो आप क्या करेंगे, 10 साल ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 30 साल का। अगर हम बात करें प्रेजेंट से फिर जो है 20 साल बाद, तो 20 साल बाद वह फ्यूचर में कितने साल का हो जाएगा, 50 साल का हो जाएगा। ठीक है, अगर हम डायरेक्ट बात करें कि यहाँ से यहाँ तक की हम बात करें, अगर हम बात करें तो यहाँ से 10 और 20 आप दो बार यानी डायरेक्ट आप 30 जोड़ सकते हैं, यहाँ से अगर आप 30 ऐड कर देंगे तो आपका फ्यूचर में 50 साल का हो जाएगा। यानी अगर कोई डाटा आपके पास पास्ट का दिया हुआ है, तो आप जो है एक्स जोड़ दिया हमने जितना साल प्रेजेंट में जाएंगे, और फिर आपका आगे जितना साल जाएंगे उतना आपको ऐड करना पड़ेगा। यही बात अगर आप फ्यूचर से जो है पास्ट में आना चाहते हैं, और आपके पास कोई डाटा है फ्यूचर का, जैसे हमने जो है इसी तरह से लीजिए 50 हमारा है, 20 साल पहले आएंगे तो 30, और 10 साल फिर पहले आएंगे तो हमारा 20 हो जाएगा। इसी तरह से जो है आप उसमें एक्स घटाएंगे फिर आपका वाई घटाएंगे। अगर आप एक ही बार दिया हुआ है तो एक ही बार उसको घटा लेंगे, जैसे 20 साल है यहाँ पे 30 साल बाद 50 साल का होगा, यानी हम जो है डायरेक्ट 20 में 30 साल ऐड कर देंगे। 50 साल आज उसका एज फ्यूचर में होगा 50 साल, तो 30 साल पहले उसकी बात कर रही है, तो यहाँ प्रेजेंट में कितना होगा, सॉरी पास्ट में कितना होगा, तो 20 साल होगा उतना हम घटा लेंगे। तो ये बेसिक इसका थ्योरी है, इसका ज़्यादा थ्योरी होता नहीं है, कुछ क्वेश्चंस को लेकर जो है इसको जो है बेहतर तरीके से सीखा जा सकता है। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस को लेकर हम देखते हैं। आपके पास बुक पहले से अवेलेबल होगी, जो भी प्लेटफॉर्म में पढ़ते हैं तो बच्चे को पास प्लेटफॉर्म की बुक तो ज़रूर होगी, और अगर नहीं है तो आप जो है टेलीग्राम वाले आर्यन मैथ्स चैनल पर जाके उसको जो है पीडीएफ विजिट कर लेना है। तो हम यहाँ पे जो है इस किताब के मुताबिक जो है क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और बी की आयु का अनुपात दिया गया है। ध्यान से आप देखिए क्वेश्चन को, ए और बी की आयु का जो रेशियो है 6:5 दिया गया है।
तो कहता है उसकी कुल आयु जो है, कुल आयु यानी दोनों मिला के कुल आयु 44 ईयर्स है, तो कहता है 8 वर्ष बाद उनकी उम्रों का अनुपात क्या होगा, 8 वर्ष बाद, यानी रेशियो दिया हुआ 8, 7, 7, 6, 8, 9 और 9 दीज दिया गया। तो सबसे पहले ये प्रेजेंट की बात कर रहा है कि ए और बी का जो एज है 6:5 है प्रेजेंट में, और उसका प्रेजेंट का ही योग, दोनों के एज का योग 44 है। तो आप इस तरीके से रेशियो से भी निकाल सकते हैं, ये हमारा 6, 5, 11 हो जाता है, 11 में आपका जो है टोटल योग 44, रेशियो में योग हमारा 11 और रियल में योग हमारा 44, तो आप 4 से इसको काट सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 8 साल बाद उनकी उम्रों का अनुपात क्या होगा, रेशियो आपको निकालना है। तो सबसे पहले अलग अलग आपको निकालना पड़ेगा, 6 में कितने हो जाएंगे 24 और 5 में कितने हो जाएंगे 20, यानी आज वो 24 साल का और बी जो है 20 साल का है, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है कि 8 साल बाद यानी आफ्टर 8 ईयर्स, तो आप 8 साल ऐड कीजिएगा तो ये आपका जो है 32 ईयर्स का हो जाएगा और ये 22, तो इसका रेशियो जो है 8:7 हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन। बहुत ही सिंपल चैप्टर होता है ये, अगर आप एसएससी लेवल के कुछ क्वेश्चंस को लेंगे तब आपको लगेगा कि ए चैप्टर आप जो है कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। रेलवे में इस बार एनटीपीसी जो ली थी, सॉरी एनटीपीसी में तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था इस चैप्टर से, TCS जो एग्ज़ाम ली थी LP और ग्रुप डी में, उसमें कुछ क्वेश्चन ठीक ठाक हैं एज से, फिर भी उतना जो है आपका हार्ड क्वेश्चन नहीं है एज में। तो दो नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे दो नंबर क्वेश्चन लिख रहे हैं, अगर आप PDF में जाइएगा तो टिक आउट किया हुआ है जो भी क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन है कि माँ और बेटे के जो एज का रेशियो है, यानी मदर और सन का जो रेशियो है, मदर और सन का ये रेशियो दिया हुआ है 7:3 और कहता है इसकी उम्रों का योग 60 वर्ष है, तो उनकी उम्रों का अंतर कितना होगा, दोनों का योग जो है 60 वर्ष है, यानी 7, 3, 10, तो 10 में आपका 60 हो जाएगा तो 1 में आपका 6 हो जाएगा। कहता है डिफरेंस बताइए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डिफरेंस 4 का है तो 4 निकालेंगे, 6 चौका 24, यानी दोनों के बीच का डिफरेंस 24 साल का है। डिफरेंस से संबंधित एक छोटा सा क्वेश्चन कभी कभार पूछ देता है कि जैसे मैं बहुत सारे बच्चे क्लास में जो है रहते हैं और अक्सर आप एक बैच में 100 स्टूडेंट हैं तो 10 ऐसे बच्चे होंगे जो बिल्कुल दिलचस्पी नहीं रखेंगे, यानी कोई भी टीचर आ जाए या खासकर मैथ चैप्टर्स में जो है बच्चे दिलचस्पी बहुत कम लेते हैं, मैथ सबके कुछ बच्चों के लिए बहुत उबाऊ हो जाता है। तो जैसे डिफरेंस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा था, जैसे आज दो आदमी दिया गया है ए और बी और इसका एज 40 इयर्स है और इसका जो है 20 इयर्स है, तो कितना का गैपिंग हो गया, 20 साल का गैपिंग हो गया। तो जो गैपिंग है वो आप कितनों एज आप जो है आगे जाएं या फिर पीछे जाएं, उसका गैपिंग एक बार जन्म लेने के बाद दो भाइयों के बीच जितने वर्ष का डिफरेंस है वो आपका मरणोपरांत चलता रहेगा, यानी आप जब भी बात करेंगे तो उसका डिफरेंस चेंज नहीं होगा। अगर हम बात करें 40 साल बाद, बहुत सारे बच्चे जो मैथ में दिलचस्पी नहीं रहते हैं तो कभी कभार मैं खड़ा करके उसे पूछ देता हूँ कि दो भाइयों के बीच आज 20 साल का डिफरेंस है तो 40 साल बाद कितना डिफरेंस रहेगा, तो बच्चे झटाक से आंसर बोल देते हैं 60 ईयर्स का डिफरेंस होगा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, एक बार जो डिफरेंस चल रहा है तो वो हमेशा डिफरेंस वही रहेगा। आज अगर 20 साल का डिफरेंस है तो आगे भी 40 साल बाद वो 20 साल का ही डिफरेंस उन दोनों के बीच रहेगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर, कहता है कि पिता जो है माता से 5 वर्ष बड़ा है, पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है, ठीक है। माता की जो प्रेजेंट एज है वह पुत्री की आयु का 3 गुना है, एक बेटी भी उसकी है इसका ये 3 गुना है, 3 गुना यह
चलिए, अब कह रहा है कि पुत्री आज जो है 10 वर्ष की है, यानी ये जो है आज 10 वर्ष का है, तो माता कितने साल की होगी? 30 साल की होगी। यहाँ से ये 5 साल जो है बड़ा है, तो ये पिताजी 35 ईयर्स के होंगे। अब क्वेश्चन में कहता है पुत्री के जन्म के समय, पुत्री का जब जन्म हुआ था तो पिता की वर्तमान आयु क्या थी? तो यहाँ पे जो है 10 साल का आज जो है डॉक्टर जो उसकी बेटी है 10 साल की है, और अगर हम उसके जन्म के समय जाए यानी हम कितने साल पहले जाएंगे, 10 ईयर्स एगो, तो 10 ईयर्स एगो यानी 10 साल पीछे जाएंगे तो पिताजी कितने साल के होंगे, 25 ईयर्स के। ये क्वेश्चन जो है मुझे याद है बिहार एसएससी का तो नाम लेना ही बेकार है, सदियों से ये जो है एग्ज़ाम अभी तक होने पाई है। एक बार जब कंडक्ट हुई थी शायद 23 फरवरी को एग्ज़ाम हुई थी 2015 में, तो उसमें ये क्वेश्चन आपका आया था, यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, सेम डाटा के साथ सेम आंसर। बिहार के एग्ज़ाम का तो कोई भरोसा ही नहीं है कब होगा नहीं होगा, लेकिन चुनाव समय पर होंगे, उसके रिजल्ट जो है समय पर आएंगे, सरकार समय पर गठन होगी, ये सब कुछ समय पर होगा, सिर्फ विद्यार्थियों के साथ ही जो है नाइंसाफ़ी हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है एज में ही आपका एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है। कहता है 5 वर्ष पूर्व पी और क्यू का जो एवरेज एज है वो आपका 15 साल दिया गया है, 5 वर्ष पहले की बात है। तो अगर हम प्रेजेंट की बात करें, पी प्लस क्यू का प्रेजेंट एज अगर हम लें, प्रेजेंट एज तो 15 साल तो जो है इसका एवरेज हो गया, कितने आदमी हैं तो 2 आदमी, 15 दूनी 30, ये कब की बात है, 5 साल पहले की बात है। तो 5 साल अगर आप दोनों आदमी का 5-5 साल ऐड कीजिएगा यानी 10 आपको ऐड करना पड़ेगा, तो इससे इसका प्रेजेंट एज जो है आपका 40 ईयर्स आ जाएगा, दोनों का प्रेजेंट एज का योग। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि पी क्यू आर 3 आदमी अब यहाँ पे है और उसका एवरेज 20 दिया हुआ है, तो योग कितना होगा, योग होगा 20 गुने 3। आप जानते हैं एवरेज आपका रिविज़न होगा ही, जिसमें एवरेज जो है आपका होता है योग बटे संख्या, और अगर आप योग निकालना चाहते हैं तो उसका होगा आपका एवरेज गुना संख्या। तो ये आपका योग हो गया, एवरेज आपका 20 और गुने 3, तो यानी ये जो है आपका 60 ईयर्स। अगर हम इससे आर का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हमको घटाना पड़ेगा, 60 में 40 चला जाएगा तो आपका 20 साल आ जाएगा, यानी 20 साल का जो है आज आर की आयु होगी। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 10 वर्ष बाद आर की आयु कितने वर्षों की होगी, यानी आफ्टर 10 ईयर्स, तो आफ्टर 10 ईयर्स आर जो है आपका कितना साल का हो जाएगा, 30 साल का, 30 ईयर्स। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से हैं इसमें, हालांकि जो है वो एक विद्यार्थी ने बोला था कि ये चैप्टर का जो है आज रिविज़न करा दीजिए, तो चलिए रिविज़न ही सही, फिर अगले चैप्टर में कल देखेंगे परसों कोई ना कोई वीडियो, एक ना एक चैप्टर को लेकर हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे नंबर्स थोड़ा उल्टा पुल्टा है, आप अगर वहाँ पे देखिएगा टिकआउट मेरा किया हुआ है, आप वहाँ से पीडीएफ देख लीजिएगा। क्वेश्चन में कह रहा है किरण, संयोग है और नर्मदा, ये 3 आदमी दिए गए हैं और तीनों के उम्रों का जो योग है 93 दिया हुआ है, यानी ये तीनों का जो एज होगा प्रेजेंट एज उस सब का योग जो है 93 दिया हुआ है। अब इसमें कहता है 10 वर्ष पूर्व उनकी उम्रों का जो रेशियो है 2:3:4 का रेशियो था, तो संयोग की वर्तमान आयु क्या होगी, ये बात पता लगाना है आपको। तो ये जो रेशियो है, रेशियो हमारा कब का है, तो ये हमारा रेशियो 10 वर्ष पूर्व का दिया हुआ है। अगर आप चाहें तो एक्स मान सकते हैं और उसमें फिर 10-10 ऐड करके आप प्रेजेंट में जा सकते हैं, और नहीं तो आप ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो आप इसी को जो है 10 साल पीछे ले आएंगे, यानी हमारा जो है 4-3-7-2-9 हमारा जो है रेशियो में योग हुआ है कब का, तो 10 वर्ष पूर्व का,
तो आप अगर 10 साल पीछे जाएंगे, तीनों को 10-10 साल पीछे ले जाएंगे, 10 साल अगर पीछे की बात करते हैं तो कोई बैठा हुआ तो नहीं रहेगा, सबका एज 10-10 माइनस होगा, यानी 10-10-10 यानी 30 आपका माइनस हो जाएगा। इस तरह से 10 वर्ष पूर्व उन तीनों का योग जो है 63 आ जाएगा, एक में 7 हो जाएगा। और यहाँ पे संजोग के प्रेजेंट एज पूछा जा रहा है, तो ये 3 में आपका जो है 21 साल। तो 21 साल ये कब का हो गया, ये आपका 10 साल पहले का, क्योंकि रेशियो जो भी हम इस्तेमाल किए यहाँ का वो 10 साल पहले का दिया गया है, तो इसलिए हमारा 21 साल हो गया। अब हमको क्वेश्चन प्रेजेंट में जाना है, तो प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा, हम 10 साल पहले का ये था तो अब हमारा 31 साल आ जाएगा, 31 ईयर्स। तो सी नंबर ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि राम के पुत्र की आयु, राम की पत्नी की, ये मेरे ख्याल से शायद आरएस अग्रवाल का क्वेश्चन है। आरएस अग्रवाल बुक को आप बेहतर तरीके से बनाइए, हम बार बार बोल रहे हैं कि हर एक एफबी लाइव में हमने बार बार आप लोगों को समझाया है कि वाइट कवर वाला जो बुक है वो आपको जो है सेक्शन बी जो उसमें दिए गए हैं वो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट साबित होगा, तो आप उसको जो है एक बार घर पे उसका स्टडी कर लेना है। हालांकि यहाँ पे जो है मेरे पास जो है बहुत सारे मटेरियल नहीं उपलब्ध है, नहीं तो आपको जो है उस टाइप के क्वेश्चन भी करवा देता। फिलहाल जो भी है बैठे रहने से तो काम नहीं है, तो आप लोग खुद के स्टडी कीजिए, जहाँ दिक्कत होगा आप क्वेश्चन को शेयर कीजिएगा मेरे साथ। तो आगे क्वेश्चन कहता है कि राम के पुत्र की आयु, राम के पुत्र की आयु, राम की पत्नी की आयु का 1/3 है। राम का जो पुत्र है, थोड़ी सी जगह इसमें चाहिए ताकि आप बेहतर तरीके से इसको समझ सकें। तो यहाँ पे कह रहा है राम के पुत्र की आयु जो है, राम है उसका बेटा है, फिर राम की जो वाइफ है, राम की वाइफ है, और फिर राम का जो फादर भी है। अब कहता है यहाँ से कि राम के पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए, यदि राम के पिता की आयु 50 वर्ष, यानी इसका फादर का एज जो है 50 ईयर्स। अब आप क्वेश्चन को फिर से पढ़ के देखिए, राम के पुत्र की आयु जो है, राम के पुत्र की आयु उसकी पत्नी का 1/3 गुना है, ये कह रहा है। राम की जो पत्नी की आयु है, राम की आयु का, राम की आयु का जो है 4/5 दिया गया है, और राम की जो आयु है उसके पिता की आयु, उसके पिता की आयु की 3/5 है, इसका जो है ये 3/5 दिया गया है। तो राम का जो पिता की आयु 50 वर्ष है तो पुत्र की आयु निकालना है। थोड़ा सा घुमा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन आप अगर सही तरीके से इसको पढ़िएगा तो आपको बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप नीचे से इस क्वेश्चन को, यानी आपके क्वेश्चन के मुताबिक नीचे से अगर सॉल्व करना शुरू करेंगे, पिताजी जो है कितने साल के, 50 साल। अब पिताजी का रिलेशन, पिताजी का जो रिलेशन है वो किसके साथ है, तो कहता है यहाँ पर जो है राम की आयु अपने पिता की आयु का 3/5, तो भाई राम का एज तो निकल ही जाएगा, पिताजी की आयु का, सॉरी 50 है यहाँ, पिताजी की आयु का 3/5, तो आपका कितना आ जाएगा, राम का एज मालूम चल गया 30 ईयर्स। अब राम की आयु तो ये हो चुकी है, राम के पत्नी की आयु, राम के पत्नी की आयु जो है राम की आयु का 4/5। अब उसकी वाइफ का जो एज है, राम का जो एज है, तो राम का एज 30 ईयर्स हमने निकाल लिया, उसका 4/5, तो यानी आपका 6×24, यानी उसकी वाइफ जो है 24 ईयर्स की है। अब इसमें कह रहा है राम के पुत्र की आयु, राम के पुत्र की आयु उसकी वाइफ का 1/3 है, तो राम के पुत्र की आयु राम के पत्नी की आयु का 1/3 है, इसका मतलब जो है उसका बेटा जो है 8 साल का होगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, हालांकि क्वेश्चन में देखने से लग रहा था बहुत कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन आप जो है इसको थोड़ा सा नीचे की ओर सॉल्व कीजिएगा तो आपका तुरंत सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 वर्ष में ए की उम्र 10 साल पहले बी की उम्र से दुगनी होगी यदि अभी यानी आज जो है ए बी से 9 साल छोटा है। ए जो है बी से 9 साल छोटा है और बी का एज निकाल रहे हैं प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट एज एक्स मान लिया। और यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है ए बी से 9 साल छोटा है यानी एक्स माइनस 9, ये प्रेजेंट की बात हो रही है। अब क्वेश्चन में कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि 10 वर्ष में ए की उम्र, 10 वर्ष में कहने का मतलब हो गया कि 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद अगर आप करेंगे तो 10 ऐड करना पड़ेगा आपको यानी x प्लस 1 हो जाएगा ये। फिर 10 साल पहले के b की उम्र, 10 साल पहले यानी x माइनस 10, इसकी उम्र का ये दुगना है, दुगना दिया गया है आपका। तो यहाँ पे जो है आपका x प्लस 1 हो गया और यहाँ आपका 2x माइनस 20, तो x इक्वल टू आपका हो जाएगा 21, यानी जो b का जो एज है 21 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 5 वर्ष पूर्व अनिल की आयु नितिन की आयु की दुगनी थी। निर्मल यानी अनिल और नितिन के अलावा एक और व्यक्ति है निर्मल जिसकी वर्तमान आयु 25 ईयर्स है। 5 साल बाद नितिन की आयु का 3/2 गुना हो जाएगा तो अनिल की वर्तमान आयु क्या है। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, जब कॉम्प्लिकेटेड सवाल आ जाए तो सिंपल वे में अगर आप नहीं समझ पाते हैं तो आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं। ये हमारा लाइन है, ये प्रेजेंट हो गया, ये हमारा पास्ट हो गया और ये हमारा फ्यूचर हो गया। जब विद्यार्थी एज वाले क्वेश्चन में ज़्यादा घूम जाते हैं तो मैं इस तरीके से अगर बताता हूँ तो उनको जो है थोड़ा राहत महसूस होता है। तो ये हमारा जो है तीनों जगह हो गया। अब कहता है 5 वर्ष पूर्व अनिल की आयु नितिन की आयु की दुगनी थी, तो सबसे पहले हमको नितिन के जो प्रेजेंट एज है वो हमने मान लिया एक्स, प्रेजेंट एज एक्स। अब क्वेश्चन में कह रहा है 5 साल पहले अनिल की आयु नितिन की आयु की, अनिल जो जो आयु है वो नितिन की आयु की, तो 5 साल पहले आप इसको ले जाइए तो एक्स माइनस 5। यहाँ पर ये बंदा जो है अनिल उसका जो है दुगना है, उसके एज का दुगना है। 5 वर्ष पूर्व अनिल की आयु नितिन की आयु की दुगनी थी, तो 5 साल इसको पीछे ले जाएंगे और यहाँ पर दुगना होगा। अब आप इसको प्रेजेंट में ले जाइएगा तो 2x माइनस 10, और यहाँ कितने साल हम पहले गए थे 5 साल पहले, तो 5 साल आप ऐड कीजिएगा तो 2x माइनस 5, ये अनिल का प्रेजेंट एज हो जाएगा। ठीक है, आप इस तरह से नहीं भी चाहिएगा तब भी सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन हम समझाने के लिए इस तरीके से लिख रहे हैं। अब यहाँ दूसरे लाइन में, क्वेश्चन के दूसरे लाइन में कह रहा है कि निर्मल जिसकी वर्तमान आयु 25 वर्ष, अब एक निर्मल बाबू हैं NR से इसको डिनोट कर देते हैं, जिसका अभी प्रेजेंट एज 25 साल है, तो कहता है 5 साल बाद, तो इसको 5 साल बाद या फ्यूचर में ले आइए तो वो 30 साल का होगा, निर्मल जो है 30 साल का होगा। 5 साल बाद नितिन किया, तो नितिन से रिलेटेड है तो 5 साल बाद नितिन को ले जाइए x प्लस 5। अब यहाँ क्वेश्चन कहता है निर्मल जो है जिसकी वर्तमान आयु 25 वर्ष है, 5 साल बाद उसकी आयु 30 हो जाएगी, 5 वर्ष बाद नितिन की आयु का, नितिन x प्लस 5 का उसका 3/2 गुना है, 3/2 गुना है कौन, निर्मल 5 साल बाद, तो ये आपका 3 से काटिएगा 10, तो x प्लस 5 इक्वल टू 20, तो x का वैल्यू जो है आपका 15 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि अनिल की वर्तमान आयु क्या है, अनिल की वर्तमान आयु यहाँ पर दी गई है तो आप इसको निकाल दीजिए, अनिल का प्रेजेंट एज, तो यहाँ पे 15 रख दीजिएगा, 2 × 15 = 30 और माइनस 5 यानी जो है आपका 25 ईयर्स का ये बंदा आ जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। तो थोड़ा सा जो है इसको समझने वाली बात थी, नहीं आप अगर इतना नहीं करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली आप इतना लिख सकते हैं, आप इस क्वेश्चन को अगर आप समझ पाएंगे तो ढंग से। एक बार हम फिर से इसको समझा देते हैं, या क्वेश्चन को आप देखिएगा, 5 वर्ष पूर्व अनिल की आयु नितिन की आयु का दुगना थी,
तो नितिन प्रेजेंट में अगर एक्स है तो वो 5 साल पहले जाएगा तो एक्स माइनस फाइव होगा, वहाँ पे 5 साल पहले यानी पास्ट में अर्निल जो है उसके एज का दुगना है, दुगना कर दिया। तो प्रेजेंट में जब आइएगा तो जितने साल हम पीछे हैं उतना साल आपको आगे आना पड़ेगा, प्लस फाइव कर दिया हमने तो 2x-5, यही चीज़ आपको निकालना है। अब यहाँ क्वेश्चन दूसरे लाइन में कह रहा है कि निर्मल एक आदमी है जिसका प्रेजेंट एज 25 ईयर्स है, लेकिन वो 5 साल बाद नितिन किया का, तो भाई नितिन को 5 साल बाद ले जाना पड़ेगा एक्स प्लस फाइव, तो ये भी तो बैठा हुआ नहीं रहेगा, तो 5 साल बाद इसकी एज हो जाएगी 30 वर्ष। तो ये जो है आपका निर्मल 5 साल बाद नितिन की आयु का 3/2 है, यानी एक्स का वैल्यू 15 आ जाएगा और यहाँ पे पुटिंग कीजिएगा तो अनिल का प्रेजेंट एज निकल जाएगा। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन था ये, शायद आरएस अग्रवाल जो है वन राइटर वाला में ये क्वेश्चन मिलेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन, अंजलि का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था। ये क्वेश्चन जो है ना हर एक बुक में होगा, चाहे आप कोई भी बुक उठाइए कंपटीशन का, वो बुक में आपका एज में ये क्वेश्चन ज़रूर होगा। जैसे आर एस अग्रवाल में फराह के नाम से होगा, कोई कमला के नाम से होगा, कोई बिमला के नाम से होगा, तो नाम चेंज हो रहता है, बाद बाकी सब सेम ही रहते हैं। तो अंजलि का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था, तो अंजलि आज प्रेजेंट में कुछ होगी ना, तो अंजलि का जो है प्रेजेंट एज हमने एक्स मान लिया। तो 6 वर्ष पूर्व हुआ है तो 6 साल पहले जो है एक्स माइनस 6 ईयर में उसका शादी हुआ होगा। कहता है उसकी वर्तमान आयु, ये वर्तमान है उसके शादी के समय की आयु का 5/4 गुनी है। अब यहाँ पे जो है अंजलि के पुत्र की आयु उसकी आयु का, यानी अंजलि की आयु का, तो सबसे पहले अंजलि की आयु निकाल लेते हैं। यहाँ 4x, यहाँ आपका 5x, तो आपका एक्स बच जाएगा 6×5=30, यानी अंजलि जो है प्रेजेंट एज में 30 साल की है। अब इसका बेटा जो है, अंजलि का जो है बेटा सन, वो उसकी एज का 1/10 दिया गया, 1/10, तो अब उसका एज कितना होगा, 3 साल हो जाएगा, यानी अंजलि के बेटे का एज जो है 3 साल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। एक पिता अपने पुत्र से कहता है, क्या कहता है, मेरी उम्र तुम्हारे वर्तमान उम्र के बराबर थी। कहने का मतलब है कि मेरी उम्र तुम्हारे वर्तमान उम्र के बराबर थी जब तुम पैदा हुए थे, यानी वो पिताजी जो है अपने बेटे से कह रहा है कि जब तुम पैदा हुआ था उस समय मैं तुम्हारे प्रेजेंट एज के बराबर था। तो सिंपल सा बात है, ये लैंग्वेज ये दर्शा रहा है कि जो है आज जो है बेटा जो है पिताजी का आधा होगा, यानी पिताजी जो है बेटे के एज का दुगना होगा, और आज जो है पिताजी की आयु 36 वर्ष है, 36 वर्ष दिया गया, यानी 2x-36 लिख देंगे तो एक्स का वैल्यू 18 हो जाएगा और पुत्र की आयु 5 साल पहले 13 वर्ष आ जाएगी। अगर आप इसको बेहतर तरीके से नहीं समझे तो आप इस नंबर लाइन का इस्तेमाल कीजिए, आप जो है अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। ये प्रेजेंट हो गया, ये पास्ट हो गया और ये फ्यूचर हो गया। यहाँ पे कर पिताजी का कहना है कि मेरी उम्र तुम्हारे वर्तमान उम्र, तो बेटा का जो एज है यहाँ पे हमने एक्स ले लिया। अब पिताजी इससे बातें कर रहे हैं, हालांकि बाप बेटे में बातचीत आजकल आज के माहौल में बहुत कम होती है, तो मेरी उम्र तुम्हारे वर्तमान उम्र के बराबर थी जब तुम पैदा हुआ था। इसको पैदा करना पड़ेगा, यानी इस टाइम में जो है वो 0 होगा। यहाँ पर जो है उसका फादर जो है कह रहा है कि तुम्हारे प्रेजेंट एज के बराबर थे जब तुम पैदा हुआ था। कितने साल पहले पैदा हुआ था, तो एक्स उसका माने थे तो यानी एक्स साल पहले वो पैदा हुआ था। जितना तुम्हारा एज होगा, अगर तुम 25 साल का है तो कब पैदा हुआ था, 25 साल पहले पैदा हुआ था, तो एक्स साल इसका एज है तो एक्स साल पहले वो पैदा हुआ था, तो उस समय जो है पिताजी उसके प्रेजेंट एज के बराबर थे। यानी आज जो है उसके पिताजी कितने साल पहले गए, एक्स साल पहले, तो एक्स ऐड कीजिएगा, यानी आज उसके पिताजी जो है 2x के होंगे। और क्वेश्चन में दिया गया है कि आज पिताजी के जो एज है 36 दिया गया, यानी बेटे का एज 18 होगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 साल पहले, 5 years ago, 5 साल पहले उसका बेटा कितने साल का होगा, तो भाई 5 साल घटा दीजिएगा, उसका बेटा जो है 13 साल का होगा, 13 साल।
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा ये। कहता है किसी व्यक्ति से, इसमें तो लगभग सारे क्वेश्चन आपके जो हैं आर एस अग्रवाल बुक से रिलेटेड है। किसी व्यक्ति से, थर्ड राइटर का ये क्वेश्चन है, मुझे याद है जब थर्ड राइटर का बैच चल रहा था उसे एक एक क्वेश्चन, लगभग थर्ड राइटर का एक एक क्वेश्चन जो है मुझे मुझवानी याद है। अगर आप क्वेश्चन देंगे तो फटाफट मैं आंसर में टिक आउट कर सकता हूँ उसके सारे क्वेश्चंस को बिना बनाए हुए भी। इतना तो थोड़ा कॉन्फिडेंस है थर्ड राइटर को, मैंने लगभग जो है 8 साल पढ़ाया है। कहता है किसी व्यक्ति से उसकी आयु बताने को कहा गया है। उसका उत्तर था, मतलब इस व्यक्ति ने उत्तर दिया अपना कि 3 वर्ष के बाद की मेरी आयु लीजिए, उसे 3 से गुना कीजिए, गुणनफल जो अब आप कर दीजिएगा तो 3 वर्ष पहले की फिर मेरा आयु लीजिए, उसके 3 गुने को घटाइए और फिर ऐसा करने पर आपको मेरा प्रेजेंट एज पता चलेगा। ये ऐसा घुमाओ के ये बंदा क्वेश्चन कह रहा है, तो चलिए हम इसको घुमा के आंसर देते हैं। इस व्यक्ति की मान लेते हैं यह व्यक्ति ए है, तो ए का जो प्रेजेंट एज है, ए का प्रेजेंट एज हमने ले लिया एक्स साल, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में कह रहा है, वो बंदा कहना चाह रहा है कि 3 वर्ष के बाद मेरी आयु लीजिए, ले लीजिए उसके 3 वर्ष की बाद की आयु, उसको आप 3 से गुना कीजिए, तो ये भी हमने 3 से गुना कर दिया है। और फिर यहाँ पे जो है मुझे इस क्वेश्चन को देखकर याद आ गया है कि इसका ऑप्शन जो है गलती होगा, इस क्वेश्चन का आंसर 18 होता है, क्योंकि जो है ये बुक मैंने पढ़ाया था तो बहुत बार इसका करेक्शन करवाया था। तो 3 साल बाद के जो है तिगुना कर दिए, फिर कहता है कि 3 साल पहले की आयु लीजिए, 3 साल पहले की भी आयु ले लिए, फिर कह रहा है उसको भी तिगुना कर लीजिए और उसको घटा लीजिए, ऐसा करने के बाद कह रहा है कि मेरा प्रेजेंट एज मिलेगा जो कि हमने एक्स माना था। तो 3, 9, 9 तो आपका ऐसे ही कैंसिल हो रहा है, 3x + 9 - 3x - +9 = x, 3x आपका कैंसिल, एक्स का वैल्यू जो है 18 आ जाएगा आपका, ठीक है। उसका प्रेजेंट एज जो है 18 साल, इस ऑप्शन दिया गया है कितना 42 का बी दिया हुआ है, लेकिन जो गलत है 20 साल दिया गया है, 20 साल कभी नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। थर्ड राइटर का जो क्वेश्चन है मुझे अच्छी तरह आंसर सहित याद रहता है, इसलिए इसका मैं देखते एक साथ जो है आंसर बोल सकता हूँ कि ये जो है आपका 18 होगा। ये भी क्वेश्चन जो है आपका लगभग थर्ड राइटर का ही है, क्वेश्चन देखिए और 2 से भागा दीजिए आंसर आ जाएगा 45। तो इसको बेहतर तरीके से, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पिछले बार भी वीडियो में हमने कराया था LP प्रीवियस में। कहता है आदित्य राजेश से उतना ही छोटा है, आदित्य राजेश से उतना ही छोटा है, राजेश से छोटा यानी राजेश आदित्य, और फिर कहता है जितना मंजेश से वह बड़ा है। यदि मंजेश और राजेश के उम्रों का योग, मंजेश और राजेश के उम्रों का योग 40 वर्ष है, तो कहता है आदित्य की आयु मालूम कीजिए। कुछ दिन पहले ये क्वेश्चन हमने जो है लेकर आपको सॉल्व कराया था, मैंने कहा था कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो आप सीधे डाटा को देखिए और 2 से डिवाइड करके आंसर ला दीजिए, यानी इस क्वेश्चन का आंसर जो है 20 होगा। तो आपको इसको बारीकी से समझना है तो आप इस तरीके से देखिए, मैंने इसी नाम को लेकर यहाँ रख लिया। मान लीजिए ये 15 साल का है, ये 10 साल का है और ये आपका 5 साल। अगर हम इसको लैंग्वेज देना चाहें, लैंग्वेज यह अलग क्वेश्चन है, डाटा हमको मालूम नहीं है, इससे अलग हमने एक डाटा के साथ इसको बता रहे हैं। अगर हम इसको लैंग्वेज देना चाहें तो क्या देना चाहेंगे कि ये जो है आदित्य या ए कहिए, ए आर से उतना ही छोटा है। कितना छोटा है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, तो आर में जो है ए को घटाएंगे, आर में ए को घटाएंगे तब आपको मिलेगा 5। यानी आर में जो है हम ए को घटाएंगे, यहाँ क्लियर होगा। कहता है ए राजेश से उतना ही छोटा है, छोटा कितना हुआ मालूम चल गया, जितना हुआ एम से बड़ा है, एम से कितना बड़ा है तो उसके लिए भी आपको जो है ए में आपको एम घटाना पड़ेगा, यानी 10 में 5 गया आपका 5, यानी ए माइनस एम, और यहाँ का डिफरेंस देख रहे हैं आप दोनों का क्या है, इक्वल है। तो यही चीज़ हम कहना चाह रहे हैं कि इस क्वेश्चन में भी आपको वही अप्लाई करना है। आपको कहता है यहाँ पे आदित्य जो है राजेश से उतना ही छोटा है, कितना छोटा है तो आर माइनस ए,
जितना हुआ मंजेस से बड़ा है तो भाई कितना बड़ा है, तो ए माइनस एम, और ये दोनों डिफरेंस जो है आपका सेम हो जाएगा। तो आप इधर लाइएगा 2a हो जाएगा और उधर आपका r प्लस एम हो जाएगा, जो कि डाटा दिया हुआ है 40, और उसको अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर 20 साल आ जाएगा आपका। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लैंग्वेज में विद्यार्थी इसमें फंस जाता है, लैंग्वेज को वो पकड़ नहीं पाते हैं बढ़िया से, और एज एक तरीके से जो है फंसाने वाला ही क्वेश्चन ज़्यादा आजकल प्रयोग हो रहा है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके इससे बच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका शायद 12 नंबर क्वेश्चन। अब आपका मेन क्वेश्चन आ गया है रेशियो से संबंधित, जो कि कुछ दिन पहले ही एलपी प्रीवियस मैथ्स में 2-3 क्वेश्चन इस टाइप के हमने कराए थे, और आपको हम बताए थे कि जब ये चैप्टर हम बताएंगे तो उसको तरीके से बताएंगे आप लोगों को। तो यहाँ पे क्वेश्चन सबसे पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में कहता है कि 10 साल पूर्व ए के माँ की उम्र ए की उम्र की 4 गुनी थी, 10 वर्ष बाद माँ की उम्र ए की उम्र की दुगुनी हो जाएगी, ए की वर्तमान उम्र क्या है, ये बात पता लगाना है। एक तो डी आपका जो है बेसिक से आप चल सकते हैं, बेसिक से अगर आप नहीं चलना चाहते तो रेशियो मेथड आप लगाइए। तो यहाँ पे वो जो है मदर है और उसका बेटा एज ए नाम है उसका। कहता है 10 वर्ष पूर्व ए के माँ की उम्र ए के उम्र की 4 गुनी थी, यानी एक ये है तो ये 4 होगा। आप जो है रेशियो में फंसिए मत बिल्कुल, आप जो है हमेशा याद रखिए कि जो बड़े व्यक्ति होते हैं उसका रेशियो हमेशा बड़ा होगा आपका, ठीक है। तो आप 1/4 किधर लिखेंगे ये टेंशन मत लीजिए, आप सीधे एक यहाँ लिखिए तो चौगुना उसका ये कर लेना। ये कब की बात हो रही थी, 10 साल पहले की बात हो रही थी। अब यहाँ से कह रहा है 10 साल बाद, तो 10 साल बाद तो 10 10 20, यहाँ 20 साल का डिफरेंस हो गया, 10 साल पीछे का 10 साल आगे का। अब कहता है 10 साल बाद माँ की उम्र ए की उम्र की दुगनी हो जाएगी, अगर ये एक है तो ये आपका 2 है। अब यहाँ क्वेश्चन कहता है ए का प्रेजेंट एज बताना है आपको। तो हमने याद कीजिए एलपी प्रीवियस में 2-3 दिन पहले ही वीडियो में हमने 2 तरीके इसमें बताए थे। फर्स्ट तरीका इसी को हम लेकर सॉल्व करते हैं। फर्स्ट तरीका में हमको इस्तेमाल क्या करना है, तो एक्स मतलब अनुपातिक राशि, एक्स बराबर होता है तिरछे गुणनफल का अंतर, यहाँ हम लिखते हैं दूसरे अनुपात का अंतर गुने समय का अंतर। हालांकि कुछ बच्चे बोलते हैं कि इसको याद करना थोड़ा कठिन है, हालांकि हम लोग को तो कोई दिक्कत नहीं होता, फर्स्ट मेथड से जो है हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अगर आपको फर्स्ट मेथड में दिक्कत है तो आपको दूसरा मेथड भी हम बता देंगे जो कि आपके लिए ईजी होगा। तो हम करेंगे क्या इसमें, सबसे पहले तिरछे गुणनफल का अंतर, 4 इकाई 4, 2 इकाई 2, डिफरेंस हमारा कितने का 2 का, यहाँ पे हम जो है 2 पुटिंग कर देंगे। फिर कह रहा है दूसरे अनुपात का अंतर, तो दूसरे अनुपात का अंतर डिफरेंस कितना है, 2 और 1 का डिफरेंस 1 है, ये भी सही है। समय का डिफरेंस लेना है आपको, समय का अंतर, तो समय कितना का डिफरेंस 20 का। तो ये आपका जो है एक्स यानी अनुपातिक राशि कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और यहाँ पे ए का प्रेजेंट एज पूछा जा रहा है, तो आप चाहे तो इस रेशियो को निकालिए या फिर इस रेशियो को निकालिए। तो जब ये मेथड आप लगाइएगा तो आपको फर्स्ट वाले को ही फॉलो करना है, सेकंड वाले को फॉलो कीजिएगा तो गलत हो जाएगा आपका। तो एक्स यहाँ पे आप 1 निकाल लीजिए, एक्स तो ए का जो है एज आ जाएगा 1 × 10 यानी 10 साल। लेकिन ये कब की बात है, ये जो रेशियो है 10 साल पहले का रेशियो है, और ये जो रेशियो है 10 साल बाद का रेशियो है। तो ये रेशियो हम अप्लाई किए हैं, 1 में हमारा 10, तो हमको जो है 1 का प्रेजेंट एज चाहिए, और ये जो है हमारा 10 साल पहले का है, तो हमको 10 साल ऐड करना पड़ेगा, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 20 साल हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, 20 हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये मेथड पसंद नहीं आता है तो आप दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, आपके लिए इजी रहेगा। यहाँ पे हमारा जो है आपने क्वेश्चन में देख ही लिया है कि 20 साल का डिफरेंस है। सबसे पहले आप यहाँ डिफरेंस चेक कर लीजिए, यहाँ 2 का डिफरेंस, यहाँ 0 का डिफरेंस, तो
तो डिफरेंस इक्वल नहीं हुआ, यही डिफरेंस सेम आना चाहिए। इसके लिए आपको करना क्या है कि फर्स्ट में आप हॉरिजॉन्टल डिफरेंस देख लीजिए, चार और एक में तीन का डिफरेंस है, तो तीन का डिफरेंस पहले वाले में तीन का डिफरेंस है तो दूसरे वाले में मल्टीप्लाई कर देंगे, दूसरे वाले में मल्टीप्लाई कर देंगे, और दूसरे वाले में जो डिफरेंस है, दूसरे वाले में एक का डिफरेंस, तो वो पहले वाले में आपको मल्टीप्लाई कर लेना है। बहुत ही सिंपल तरीका है कि आप फर्स्ट का डिफरेंस देखिए, जितना डिफरेंस है दूसरे में मल्टीप्लाई कर दीजिए, दूसरे का डिफरेंस पहले में मल्टीप्लाई कर दीजिए। इससे होगा क्या, जो आप हॉरिजॉन्टल जो डिफरेंस निकालना चाह रहे थे वो आपका जो है इक्वल आ जाएगा। आप देखिए हॉरिजॉन्टल डिफरेंस दो दो का आ गया, ठीक है, अब आपका जो है क्वेश्चन ईजी हो गया। दो हमारा जो है डिफरेंस है और रियल में डिफरेंस कितने का, 20 का, तो एक में कितना 10, तो आप एक निकल गया है हमारा 10। लेकिन ये कब की बात है, 10 साल पहले की बात है, तो हमको एक का प्रेजेंट एज चाहिए, तो 10 + 10 = 20, ठीक है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं दूसरा मेथड सर बेस्ट मेथड है, तो आप उसी से सॉल्व कीजिए, और मैं तो दोनों मेथड से सॉल्व कर लेता हूँ, आपको जैसा उचित लगे आप उस तरीके से कीजिए। तो फर्स्ट मेथड को भी आप अगर आपको बर्डन बुझा रहा है तो हम दूसरे मेथड से ही आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आपके पास टाइम मिलता है, जैसे बहुत सारे बच्चे बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं, तो हालांकि अभी तो जो है NTPC का जो है डेट वगैरह सब 15 दिसंबर को दे दिया, हालांकि मुझे नहीं लगता है कि 15 दिसंबर को ये एग्ज़ाम हो पाएगा, क्योंकि भारत में जो है एग्ज़ाम टाइम पर होने लगे तो परीक्षा का जो है परीक्षा कैसे होगा, समझ रहे हैं, तो बिहार या फिर जो है भारत में परीक्षा का परीक्षा होता है, कि परीक्षा का भी इम्तिहान होता है कि आप कितना जो है सहन शक्ति आप में है, आप कितना देखते हैं उस प्रशासन या फिर जो है नेता लोग उसको देखते हैं जांच करके, परीक्षा का परीक्षा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में देखते हैं, ये 14 नंबर क्वेश्चन होगा आपका। कहता है एक पिता अपने पुत्र से उम्र में 5 गुना बड़ा है, एक पिता जो है अपने पुत्र से उम्र में 5 गुना बड़ा है, अगर ये एक लेते हैं तो आप कहेंगे 5, लेकिन मैथ की दृष्टि से 5 गुना बड़ा होने का मतलब है, जैसे कोई एक्स है तो अगर कहते हैं 5 गुना बड़ा है तो आप उसको जो है 6 गुना कहिएगा, एक है तो उसको 5 गुना बड़ा कहिएगा तो उसको आपको 6 गुना कहना पड़ेगा। लेकिन ये लैंग्वेज जो है हम लोग तो सही सोचते हैं इस तरीके से, लेकिन अब जो है एग्ज़ाम में जो है इसी टाइप से क्वेश्चन ले लेता है, एक है तो 5 गुना कर दिया, 5 गुना और 5 गुना बड़ा है में अंतर है। ये अभी हम लिख रहे हैं कि एक का जो है ये आपका पिताजी जो है बेटे के इसका 5 गुना है, लेकिन क्वेश्चन में दिया वो 5 गुना बड़ा है, तो इस पर जो है अब मैं कुछ नहीं कर सकता है, एग्ज़ाम बोर्ड्स वगैरह सब जो है इसी थ्योरी को लेते हैं, तो चलिए हम लोग भी गलत को गलत ही लेते हैं, क्या कीजिएगा। तो 5:1 आपका रेशियो हो जाता है। अब यहाँ पे कहता है कि 15 साल बाद कहता है कि 2.5 गुना बड़ा होगा, पिताजी जो है अपने पुत्र से 2.5 गुना, तो 2.5 गुना कहने का मतलब क्या, ये अगर 2 है तो 2.5 गुना मतलब 5। अब यहाँ पे देखिए डिफरेंस यहाँ 0 है वहाँ 1 का डिफरेंस, तो अभी तुरंत हमने मेथड बताया है कि आप इसको डिफरेंस सेम करना है, तो आप यहाँ हॉरिजॉन्टल डिफरेंस देख लीजिए, 4 का डिफरेंस है तो दूसरे वाले में मल्टीप्लाई, यहाँ 3 का डिफरेंस तो पहले वाले में मल्टीप्लाई, तो ये आपका 5 × 3 = 15 और 3 का रेशियो, 5 × 20 और ये 8 का रेशियो। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस हमारा सेम आ चुका है, अब 5 का डिफरेंस और यहाँ हमारा 15 का डिफरेंस, तो एक में हमारा 3। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि जो है पिता की वर्तमान एज बताइए, पिता का प्रेजेंट एज यह 15 दिया गया है, 15 में कितना 45, तो ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन भी इसी पर बेस्ड है, तो आप चलिए इसको भी लेकर हम देख लेते हैं, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जब हम पटना में रहेंगे तो आपको एक से एक बेस्ट जो है आपका मटेरियल के साथ, नए नए मटेरियल के साथ आपको जो है हम प्रोवाइड कराएंगे, फिलहाल खुलने दीजिए। आगे कहता है 5 वर्षों के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी, कब की बात है ये,
5 वर्ष बाद की बात है ये, जबकि 5 वर्ष, ये लास्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की तिगुनी होगी जबकि 5 वर्षों के पहले, तो 5 साल बाद 5 साल पहले, यानी 10 साल का डिफरेंस हो गया। अब यहाँ पे कहता है 7 गुना होगा, 5 साल पहले पिताजी जो है बेटे के इसका 7 गुना होगा। फिर दूसरा मेथड प्रयोग यहाँ पे कीजिए, यहाँ 4 का डिफरेंस, यहाँ 0 का डिफरेंस, हॉरिजॉन्टल डिफरेंस 2 का, तो 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ 6 से, तो ये 18 और 6 और यहाँ आपका 14 और 2, तो आपका जो है वर्टिकल डिफरेंस जो है सेम आ गया है, तो 4 में 10, तो 2 और ये 5। अब आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि पिता की वर्तमान एज निकाल, यानी 18 आपको निकालना है, तो 18 इधर 9 से मल्टीप्लाई हो गया, तो इधर भी 9 से 9 पचे 45, यानी पिताजी का जो प्रेजेंट एज होगा 45 ईयर्स होगा। तो इसी यहीं तक हम इस क्वेश्चन को रखते हैं। आपको PDF जो है आर्यन मैथ्स टेलीग्राम ग्रुप पे जाइएगा, 1 से 64 तक उसमें क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको इन क्वेश्चंस का सहारा लेकर जो है उस सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। जो क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं होंगे, आप जो है क्वेरीज जो जिसमें मैथ्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैथ्स बाय देव आर्यन करके, उस ग्रुप में आपको जो है डाल देने हैं। अब मैं जब फ्री रहूँगा तो उस क्वेश्चन का आंसर दे दूँगा। फिलहाल अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि नए नए विद्यार्थी लोग मुझसे जुड़ें और चैनल को ग्रो करने में हमारी मदद हो सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।